आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हालांकि ये टॉपिक हम पहले से पढ़ रहे हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हमने जाना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीनिक नेचर में होती है और जो कोर पार्ट सेल मेम्ब्रेन का बना होता है वो लिपिड का बना होता है। मैंने आपको बताया कि इसलिए कि कोर पार्ट सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड का बना होता है, इसलिए उसमें से जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, वो आसानी से जो है पास आउट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में। तो यहीं इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है ह्यूमन सेल और यहीं हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का है, ये लाइपोप्रोटीनिक होता है नेचर में और किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है मैंने आपको बताया था। और यहाँ जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो उसमें दो पार्ट इसमें होते हैं, एक वाटर लविंग पार्ट होता है और एक वाटर हीटिंग पार्ट होता है। जो वाटर लविंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और जो वाटर हीटिंग पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। और यहाँ हम देखें कि जो कोर पार्ट होता है मेम्ब्रेन का वो लिपिड का बना होता है, इसलिए लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस और वेरी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें से क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ हम देखें नेक्स्ट, इसमें जो है हम पहले जो है इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूज़न के बारे में मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यहाँ हम देखते हैं कि दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो पास आउट होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम जो पढ़ते हैं डिफ्यूजन, पहले पढ़ा हमने डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ आप देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस, ये एक पैसिव प्रोसेस है। और यहाँ क्या है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रीली थ्रू द लिपिड बाई लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यहाँ जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जब बिना किसी कैरियर प्रोटीन के, बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प की, ये जो है सिंपल डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का या सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है, हमने पहले पढ़ा था कि जो मूवमेंट जो होता है वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इट मींस द सब्सटेंसेस आर मूव्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉन एज डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन है यहाँ पे। तो हमने आपको बताया पहले भी कि यहाँ सिंपल डिफ्यूजन में नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द लिपिड बायलेयर थ्रू द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ हमने देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो सभी ड्रग्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें, आप देखें कि स्ट्रक्चर के हम थ्रू हम इसको समझेंगे, जैसे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूड, और ये आपका मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। यहाँ हमने ये लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है और फिर नीचे से हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है। तो यहाँ हम देखें जो सिंपल डिफ्यूजन होता है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ आप देखें तो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन नीचे कम है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ हम देखें कि इसमें एक बार इसको, यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मिटा लेते हैं एक बार। यहाँ फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, यहाँ आप देखें कि ये जो मूवमेंट हो रहा है एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। बाकी जो दो पार्ट हैं कैरियर मीडिएटेड, आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, और कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, हम इसको आगे समझेंगे। नेक्स्ट हम देखें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस, फैटी एसिड्स, स्टीरॉइड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड विटामिन के एंड इसमें ये सब जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं ये, और दूसरा और स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, यूरिया एंड स्मॉल अल्कोहल आल्सो पास थ्रू द लिपिड बैरियर बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये सब के सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सब के सब सब्सटेंसेस हैं, ये सभी जो है सिंपल डिफ्यूजन से पास आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड
डिफ्यूज़न। यहाँ आपने देखा कि सिंपल डिफ्यूज़न में हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स और अदर प्रोटीन्स, तो हम वो सिंपल डिफ्यूज़न था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चैनल और कैरियर मीडिएट सिंपल डिफ्यूज़न होता है। अब चैनल या तो जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल हैं या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या जो है वो साइज उनका ज़्यादा है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको कैसे सेल के अंदर जाएंगे, तो वो बाय चैनल या बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इसमें होता है, उसके थ्रू ही जाते हैं। हालांकि जो चैनल मीडिएटेड है या कैरियर मीडिएटेड जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, ये भी एक जो है पैसिव प्रोसेस है, और वी आर स्टडिंग अबाउट द पैसिव प्रोसेस। तो यहाँ हम देखें कि इस प्रोसेस में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन असिस्ट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस क्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यहाँ पे कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि सब्सटेंसेस को अक्रॉस कराती हैं, अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट कराती हैं सब्सटेंसेस को। तो ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स का रोल इसमें होता है। यही नेक्स्ट हम पॉइंट देखें कि द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी आइदर ए मेम्ब्रेन चैनल और ए कैरियर। जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो या तो चैनल होंगे या कैरियर होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में कि जो लिपिड बाईलेयर जो होती है मेम्ब्रेन की, जो है वो कोर पार्ट लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, उसी से जो है सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, मैंने बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं या जो है आयनिक मटेरियल होता है या कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स जो है इनको हम चैनल्स या हम कैरियर इनको कहते हैं। तो यहाँ हम देखें तो अब दो टाइप का हम इसमें देख सकते हैं कि चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो वी आर स्टडिंग अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो यहाँ एक पार्ट, एक टाइप तो यह है कि चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे क्या है कि अ सॉल्यूट मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द लिपिड बायलेयर थ्रू ए मेम्ब्रेन चैनल। यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस मूव मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करना जो होता है, तो उसमें जो कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल्स के थ्रू मूवमेंट होता है। यहाँ हम देख भी सकते हैं नेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ इन टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन द मोस्ट न्यूमेरस आयन चैनल्स आर सेलेक्टिव। यहाँ पे कि जो डिफरेंट आयन्स होते हैं, जैसे पोटेशियम आयन्स हैं, क्लोराइड आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं, कैल्शियम आयन्स हैं, इन सब को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्पेशलाइज्ड आयन चैनल्स होते हैं। तो एक जो आयन चैनल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर या सेलेक्टिव आयन्स के लिए सेलेक्टिव होते हैं बिल्कुल, और उसी के थ्रू वो आयन्स जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आयन चैनल्स हैं सेलेक्टिव होते हैं ये, जैसे फॉर पोटेशियम आयन्स, क्लोराइड आयन्स और फ्यूअर चैनल्स आर अवेलेबल फॉर सोडियम आयन्स एंड कैल्शियम आयन्स। अब इनका भी अलग अलग रोल है, अब जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इन चैनल्स का ड्रग्स के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें कितना बड़ा रोल है, ये प्ले करते हैं। तो हम आगे देखें कि नेक्स्ट पॉइंट में कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है, यो जो चैनल के थ्रू होता है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इट्स ए वेरी फास्ट प्रोसेस एंड मोर देन ए मिलियन पोटेशियम आयन्स कैन फ्लो थ्रू ए पोटेशियम चैनल इन 1 सेकेंड। और जो है पोटेशियम चैनल से 1 सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ पोटेशियम आयन्स जो है वो क्रॉस कर सकते हैं ये जो है चैनल्स के थ्रू। और नेक्स्ट हम पॉइंट हम देखें कि जो चैनल जो है जो है कुछ चैनल्स गेटेड भी होते हैं। तो अगर जो है किसी चैनल के अंदर एक प्लग लगा होता है या गेट टाइप का होता है, उसे हम गेटेड चैनल भी कहते हैं। जैसे कि हम कहें इसमें देखें कि जो गेट या प्लग जो होता है वो जब ये ओपन होता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है और एक पोर उसमें बन जाता है। तो जैसे वो टू चेंजिंग शेप इन वन वे टू ओपन द पोर एंड इन अनदर वे टू क्लोज द इट, जैसे पोर बन जाएगा और जो गेट बंद होगा तो वो क्लोज हो जाएगा। इसका हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आप देख भी इसको सकते हैं कि थोड़ा सा इसको देखें कि व्हेन द गेट्स ऑफ चैनल आर ओपन आयन डिफ्यूज इनटू द और आउट ऑफ द सेल डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ इसको आप देखें कि ये गेटेड जो है चैनल हैं, जैसे कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और ये आपका जो है इंट्रा सेलुलर फ्लूड और ये आपका जो है मेम्ब्रेन पार्ट और ये आपके जो है आयन चैनल्स हैं, ये आयन चैनल्स हैं
या पोटेशियम आयन चैनल, यहाँ देखें ना पोटेशियम आयन चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो पोटेशियम आयन चैनल्स में कुछ गेट होता है, जैसे ये आप नीचे आप देख रहे हैं इसको कि ये जो है गेट होता है ये वाला, तो ये जो पोर्शन है ये गेट है, तो ये जब ओपन होंगे तो पोटेशियम आयन की एंट्री जो है वो होगी, क्योंकि पोटेशियम आयन आप देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी भी हम पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि पोटेशियम आयन कहाँ होते हैं, तो पोटेशियम आयन का जो प्रेजेंट होते हैं वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, सेल के अंदर की साइड होते हैं, और जब गेट ओपन होगा तो ये पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। तो ये इसमें चैनल प्रोटीन्स हैं, और जब वहीं जब ये गेट जब क्लोज होता है तो ये पोटेशियम, जब पोटेशियम आयन की नीड नहीं होती है तो ये गेट जब ओपन हो बंद होगा तो इस टाइप का शेप बन जाएगा, और यहाँ से फिर गेट में इस गेट के थ्रू कोई भी आयन की एंट्री या एग्जिट नहीं होगा। तो यहाँ इसको समझ लें, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखें दिस वन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन of different types of cells may have different numbers of ions channels and thus display different permeabilities to various ions. इसलिए जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो है आयन चैनल्स का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, और जब डिफरेंट होगा तो उसमें परमेबिलिटी का जो भी वो मैटर है वो भी चेंज होगा इसमें। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, यहाँ हम देखें हमने अभी तक पढ़ा चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड, यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट है सेकंड नंबर है ये कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, नाम से इंडिकेट होता है कि एक कैरियर इसमें होता है, एक प्रोटीन जो है मैंने बताया कि जो सब्सटेंसेस इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं, आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, तो ये सब इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो इनको क्रॉस करने के लिए क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कैरियर कहते हैं, वो कैरियर जो है इन सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ये ट्रांसपोर्ट कराती हैं। जैसे इसमें हम देखें कि ए कैरियर आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसपोर्टर, इसको हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, तो इस यूज्ड टू मूव ए सॉल्यूट डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें द सॉल्यूट बाइंड्स टू स्पेसिफिक कैरियर, क्या होता है यहाँ पे कि जो सॉल्यूट है ये स्पेसिफिक कैरियर से बाइंड हो जाता है, स्पेसिफिक कैरियर से बाइंड हो जाता है एक साइड पर मेम्ब्रेन की, और ये क्या करता है कि जो कैरियर क्या करता है इस सब्सटेंस को बाइंड करके जो है मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ इसको लेके जाता है और वहाँ जाकर उसको रिलीज कर देता है, एंड रिलीज्ड ऑन द अदर साइड आफ्टर द कैरियर अंडरगोज ए चेंज इन शेप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहते हैं इसको अंदर जाकर के रिलीज कर देता है, और ये जो है इस तरीके से जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। यहाँ इसको हम देखें फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल भी दिया है इसमें, जैसे ग्लूकोज, यहाँ एक ग्लूकोज एग्जांपल दिया है, तो ग्लूकोज बाइंड्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLUT ग्लूट, एक ग्लूट जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, एक कैरियर प्रोटीन होती है, ये क्या करेगा कि ये ग्लूकोज को बाहर की साइड जो ग्लूकोज होता है उसको सरफेस पे बाइंड कर लेती है मेम्ब्रेन पे, बाइंड करने के बाद में क्या होगा कि एज अ ट्रांसपोर्टर अंडरगोज अ चेंज इन शेप ग्लूकोज पास थ्रू द मेम्ब्रेन, और जो ट्रांसपोर्टर के अपने शेप को चेंज करता है और जो है ट्रांसपोर्ट जो है उस ग्लूकोज को कर देता है। नेक्स्ट इसमें देख पॉइंट देखें कि द ट्रांसपोर्टर रिलीज ग्लूकोज ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है ग्लूकोज को फिर दूसरी मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में, मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पर जाकर इसको रिलीज कर देता है। यहाँ एक डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप देखें इसको कि मैंने पहले आपको बताया ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूड, और ये मेम्ब्रेन, क्योंकि हमें जो है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, हमें जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है हमें इसको समझना है। हमें ग्लूकोज का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, तो यहाँ नंबर वन पे हम देखेंगे कि जो कैरियर है, ये कैरियर है आपका जो वो कैरियर प्रोटीन है, तो कैरियर प्रोटीन का जो शेप चेंज होता है, अब शेप चेंज होगा तो एक जो है ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। अब ये कैरियर जो है इसको बाइंड कर लेगा, बाइंड का ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसको बाइंड करने के बाद में जो है ये क्या होगा, आप दूसरे पार्ट में देखें यहाँ पे, ये जो है यहाँ ये अपने शेप को चेंज करेगा, और शेप को चेंज करने के बाद में इस ग्लूकोज को मेम्ब्रेन के अंदर की साइड इसको रिलीज कर देगा ग्लूकोज को।
तो ये वहाँ उसके बाद में जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है कैरियर मीडिएटेड। तो हमने जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है दो टाइप का हमने पढ़ा, चैनल मीडिएटेड और कैरियर मीडिएटेड। नेक्स्ट जो है इसमें है ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमने तीन बेसिकली टॉपिक जो इसमें हम पढ़ते हैं, डिफ्यूज़न या सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इन विच देर इज नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया कि जो डिफ्यूज़न में क्या होता था कि जो एक मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, वो उसमें सेलेक्टिवली का कोई मैटर नहीं है। वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है वो डिफ्यूज़न होता है, पैसिव प्रोसेस है और अपने आप होता है इसमें कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। वहाँ जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो अपने आप ही डिफ्यूज आउट हो जाती हैं, डिफ्यूजन हो जाती हैं। जबकि यहाँ जो ऑस्मोसिस है इसमें थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ जो डिफ्यूजन तो होता तो है लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, यहाँ देखें कि जैसे लाइक अदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें जो ग्रीन कलर में हमने लिखा है यहाँ पे कि ऑस्मोसिस अकर ओनली व्हेन ए मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वाटर बट इज नॉट परमिएबल टू सर्टेन सॉल्यूट्स। तो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी यहाँ पे आ गई मेम्ब्रेन की। क्या है कि वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन जो कुछ सॉल्यूट्स हैं उनके लिए मेम्ब्रेन जो है परमिएबल नहीं होती। तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है जो है या डिफ्यूज़न है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ हम देखें नेक्स्ट पॉइंट में, इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया टू लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। यहाँ जो ऑस्मोसिस में क्या है कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो वाटर का मूवमेंट होता है, यहाँ थोड़ा सा आप देखें कि फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का, तो ये ऑस्मोसिस है। तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू वेज। अब यहाँ हम देखें जो इस ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप से पास करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कैसे कैसे करते हैं यहाँ हम देखें कि ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है नंबर वन इज बाई मूविंग थ्रू द लिपिड बाइलेयर वाया सिंपल डिफ्यूज़न एज प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड। दो तरीके से होता है, या तो सिंपल डिफ्यूज़न से होगा जैसे हमने बताया आपको कि ये, और सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू या लिपिड बाइलेयर से जो है मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरा इसमें है, सेकेंड है बाई मूविंग थ्रू एक्वापोरिन्स। एक्वा मीन जो है वाटर, पोरिन्स मीन पोर छिद्र, जो छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं उसमें और उसके थ्रू मूवमेंट होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सब जो है हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पैसिव प्रोसेस। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूँ कि तीन टाइप का हम पढ़ते हैं, डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो कि दो टाइप का है, चैनल मीडिएटेड और कैरियर मीडिएटेड, और थर्ड है ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन बाय थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सब हमने इसमें पढ़ा, इसको आप देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और जब आप इसको समझेंगे तभी आपको ड्रग्स का, बहुत सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। इसको पढ़ें ठीक से। धन्यवाद।